दोस्तों 72 घंटे के अंदर अंदर भारत ने तुर्की का वो इलाज किया है जिसकी वजह से आज तुर्की की अकल ठीक हो चुकी होगी। आप सभी के याद ही होगा, अब से एक महीने पहले तुर्की और सीरिया के अंदर कई भूकंप के झटके आए थे जिसकी वजह से अब तक तुर्की में 48,000 लोगों की जान चली गई है। साथ में सीरिया के अंदर अब तक 5,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और जब तुर्की और सीरिया के अंदर ये भूकंप के झटके आए थे तो भारत ने 12 घंटे के अंदर अंदर ही इन दोनों देशों की मदद करने के लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन, वेंटिलेटर जैसी चीजों को तुर्की में भेजा था। साथ में भारत की तरफ से 2 एनडीआरएफ की टीम को भी तुर्की में भेजा गया था। लेकिन अब से 3 दिन पहले तुर्की ने अपनी औकात दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की एक मीटिंग में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए कहा था कि भारत कश्मीर में ह्यूमन राइट वायोलेशन कर रहा है जिसको भारत को तुरंत रोक देना चाहिए। तो तुर्की की इस बात को सुनने के बाद पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान हो गई थी कि भारत वो देश था जिसने तुर्की की सबसे ज्यादा मदद की थी, तो तुर्की भारत के खिलाफ कैसे बोल सकता था। लेकिन तुर्की ने सबको गलत प्रूफ करते हुए फिर भी भारत का समर्थन नहीं किया था। लेकिन उस समय UNHRC की स्थायी प्रतिनिधि दीमा पुजानी जी ने तुर्की और पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा था कि जो देश आतंकियों को पालते हैं वो कृपया करके हमें ये ना समझाएं कि भारत मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। पहले इन दोनों ही देशों को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। लेकिन आज भारत की तरफ से तुर्की को सबक सिखाते हुए तुर्की की ये जो मेडिसिन भेजी जा रही थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और फिलहाल देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो तुर्की की दवाइयों की जरूरत को पूरा कर सके। और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि तुर्की भारत के सामने अपने घुटने टेक दे और फिर से तुर्की भारत से मदद की गुहार लगाए। दोस्तों भारत के इस कदम को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि क्या भारत ने तुर्की की मेडिसिन सप्लाई रोकने से सही किया या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।